बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉइंट। आज हम दोस्तों से बात करेंगे कि ज़मीन में पीएच की क्या अहमियत है। हम अक्सर कहते रहते हैं कि फलां ज़मीन की इतनी पीएच है या ये है। पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका पौधों के ऊपर क्या असर होता है, आपको पता है कि कुछ नामियाती मादा जो है वो ज़मीन के अंदर होता है जो पौधों को चाहिए होता है, जिससे खुराक मिलती है पौधों को, और इसी तरीके से हम खादें देते हैं, फिर हम सप्लीमेंट देते हैं और फिर हम पानी लगाते हैं। तो जब पहला नामियाती मादा खादें जो ज़मीन के अंदर है और खादें और फिर सप्लीमेंट और जब पानी लगाते हैं, तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे पौधे की खुराक बनती है। अब इस खुराक का बनना जो है वो इस पीएच के ऊपर जो है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के, उसमें हाइड्रोजन की मिकदार हमारी ज़मीन में कितनी है उसके ऊपर मुनसर है। मसलन अगर आप देखें तो ये जो पीएच है ये 0 से लेकर 14 तक जो है ग्रेड की जाती है अमूमन, लेकिन ज़मीन में ये तकरीबन 0 से लेकर 10 तक ग्रेड की जाती है। तो 0 से लेकर जो ये 7 तक होती है, इसको हम कहते हैं कि जी ज़मीन हमारी जो है उसमें वो तेजाबियत है उसके अंदर, ठीक है। 7 जो है वो न्यूट्रल होती है, और 7 से ऊपर जो है हम कहते हैं कि जी जमीन अमीर हमारी जो ज़मीन है ये नमकियात इसमें ज़्यादा है। अब अगर आप देखें तो जो आइडियल है हमारे लिए बेहतरीन जो हमारी पीएच है ज़मीन की जो होनी चाहिए वो है 5.5 से 7.5। तो अब देखें अगर हमारी ज़मीन जो है वो तेजाबी है, यानी 5.5 से जब उसकी पीएच जो है वो कम होती है, तो इसमें एलुमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज और फास्फोरस की कमी होती है। और अगर ये 7.5 से ऊपर है तो ये नमकीन है, इसका मतलब है तो फिर इसमें नमकियात ज़्यादा हैं, तो फिर ये जो है पौधे को जिंक, कॉपर और बोरान की कमी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जी हमें इस पीएच को हमारी ज़मीन जो है उसको 5.5 से 7.5 तक रखना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें देखें हमारी जो आप कहते हैं कि मेरी ज़मीन जो है मैंने तैयारी भी उसी तरह की है, उतने ही हल चलाए हैं और खादें भी दी हैं, स्प्रे भी किया है, सप्लीमेंट भी दिए हैं, बीज भी मेरा वही उसी जगह से था, लेकिन फिर जो है मेरे जो पड़ोस वाला है उसकी पैदावार ज़्यादा हुई है, मेरी जो है वो कम हुई है। तो इसमें आप देख लें कि जी इसका मतलब ये है कि जो आपकी ज़मीन है उसकी पीएच के अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए उसको जब आप टेस्ट कराते हैं तो वो आपको बताएंगे, तजिया उसका कराएं कि जी मेरी ज़मीन के अंदर जो है पीएच क्या है, क्योंकि ये पीएच है जैसे मैंने पहले कहा कि जी इसने डिटरमिन करना है कि जी आपकी जो खादें हैं जो अंदर इसके नामियाती मादा है ज़मीन में पहले, और जो सप्लीमेंट आप करते हैं तो ये किस तरीके से पौधे की, जब पानी देते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है और पौधे की खुराक किस तरीके से बनती है, ठीक है ना जी। इसके लिए अगली बात जो है वो ये है कि जी इसकी स्केल जो है वो लॉगरिथमिक होती है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको सादा लफ्जों में बता देता हूँ कि लॉगरिथमिक स्केल का क्या मतलब है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक ज़मीन है उसकी पीएच है 6 और दूसरे की है 7, तो जो 6 वाली है वो 7 वाली से 10 गुना ज़्यादा जो है वो
तेजाबी होगी। और इसी तरीके से अगर एक है सॉयल उसकी जो पीएच है वो है 8, तो वो 7 वाली से 10 गुना ज़्यादा जो है उसके अंदर नमकियात होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 6 वाली जो है उससे 100 गुना ज़्यादा नमकियात होंगे, तो उधर 1 का फ़र्क है और इधर जो है वो 10 गुना का फ़र्क है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब अगली बात जो आ जाती है वो है कि जी हमने ये पीएच जो है इसको कम कैसे करना है, यानी हाई है और इसको लो कैसे करना है। तो सीधी सी बात है, जब आप तजिया करेंगे तो आपको बता देंगे कि जी इसमें पीएच जो है वो ज़्यादा करनी है आपने या कम करनी है। तो अगर ज़्यादा है और उसको आपने कम करना है तो उसके अंदर आपने सल्फ़र डालनी है, यानी प्योर सल्फ़र जो है, बुनियादी सल्फ़र जो है। ये नहीं है कि जी फलां चीज़ हमने डाली तो उसके अंदर भी सल्फ़र, जैसे हम कहते हैं कि जी जो DAP है इसके अंदर जो है नाइट्रोजन भी होती है और इसके अंदर जो है फास्फोरस भी होती है, नो, इसमें प्योर सल्फ़र जो है। और जब आप ये दुकान वालों के पास जाएंगे जो स्प्रे वाले हैं या खादों वाले हैं या जो ये आपको देते हैं, तो वो आपको बता देंगे, कम अज़ कम सोर्स भी बता देंगे कि फलां जगह के ऊपर आपको प्योर सल्फ़र जो है ये पीएच कम करने के लिए हमें चाहिए होती है। इसी तरीके से अगर आपकी ये लो है और आपने ज़्यादा करनी है तो फिर आपको इसमें चूना जो है वो डालना पड़ेगा। और ये भी वो इसी तरीके से कि आप उनको जाकर बताएंगे कि जी मैंने पीएच को ज़्यादा करना है तो इसलिए जो है इसके अंदर मुझे वो वाला चूना आप दे दें। तो आज दोस्तों से ये बात करनी थी और ये बात मैंने की है कि जी पीएच जो है उसकी अहमियत क्या है ज़मीन में। तो आप देख लें, आपने हर सूरत में अपना ये इसका ज़मीन का जब तजिया कराते हैं और उसके बाद जो है पीएच को 5.4 या 5.7 या 5 होनी चाहिए ताकि आप बेहतर जो है वो फसल पैदावार जो है वो ले सकें। जिस वक्त आप उसके बीच में सारी चीज़ें डालते हैं, खादें भी, सप्लीमेंट भी, पहले भी नामियाती मादा, पानी भी देते हैं, स्प्रे भी करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हमारे थोड़ी सी जो इग्नोरेंस है, गफलत जो है, उसकी वजह से पैदावार हमारी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो आज मैंने दोस्तों से ये बात करनी थी, ठीक है ना जी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है ये पसंद आई है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आइंदा जो है मैं आपको जो कपास का मौसम है तो मैं बताऊंगा कि जी कपास जो है उसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइज़र जो है किस किस टाइम के ऊपर देने चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो किसान भाइयों के जारी रखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।